सो है एवरी वन गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल लियाकत प्रोडक्शन। गाइज आई एम बैक विथ यू अमेजिंग फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल इन पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। गाइज आज का जो ट्यूटोरियल है बहुत ही ईजी होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको ऑनली वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। एंड गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सो मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाए और मैं गाइज आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोज़ लेके आऊँ। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस ब्रांड न्यू कंसेप्ट। गाइज आज के इस कंसेप्ट के लिए हम यूज़ करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, जो कि आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, तो वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं क्विकली पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे जंप कर देता हूँ विद दिस बैकग्राउंड। गाइज ये बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बुक्स से, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले आपको चले जाना है ड्रा टूल के अंदर। एंड ड्रा टूल में जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है। ये वाली जो PNG है आपको यहाँ से ले आनी है, जिसको गाइज मैंने खुद ही क्रिएट किया है आपके लिए। एक बहुत ही इजी हो जाएगा आपको अप्लाई करने में। सो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है यहाँ पे। गाइज आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, सो आप अच्छी तरह से हर एक सेटअप अपने फ़ोटो पे कर सकते हो, सो आपकी जो पिक्चर है बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी। ये प्लेस करने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है लेयर्स वाले आइकन पे, एंड यहाँ पे एक एम्बेडेड लेयर सेलेक्ट कर लेनी है। इसे प्लेस कर देना है मॉडल PNG के नीचे कुछ इस तरह से। फिर गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रश वाले आइकन पे फिर से चले जाना है। यहाँ पे ये वाला जो ब्रश आपको सिलेक्ट कर लेना है, इसकी जो हार्डनेस है गाइस इसे रख देना आपको पूरा कम, एंड साइज़ को थोड़ा बहुत बढ़ा देना है। यहाँ पे हार्डनेस को हम 1 पे रख देते हैं, एंड ओपेसिटी को भी हम थोड़ा बहुत माइनस की साइड ले आते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमें एक शेडो क्रिएट करनी है इस PNG के नीचे, सो यहाँ पे अच्छा लुक देगा। तो बहुत ही परफेक्ट गाइस, आप यहाँ पे लेयर्स वाले आइकन पे जाके देख सकते हो कि बिफोर एंड आफ्टर कितना फर्क आ चुका है यहाँ पे। तो हमारी शेडो क्रिएट हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है एंड चले जाना है बैग। नाउ गाइस आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे आपको फिर से ऐड फोटो में चले जाना है। ये वाला जो हैमर थार का हैमर है गाइस, आपको यहाँ से ले आना है। एंड गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको हैंड पे अच्छी तरह से प्लेस कर देना है। गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक दबा दीजिए, सो मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाए। तो गाइस यहाँ पे हैंड पे प्लेस करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इरेजर वाले आइकन पे चले जाना है, एंड यहाँ पे हैंड से इसे रिमूव कर देना है कुछ इस तरह से। बिल्कुल गाइस हैमर आपके हाथ में आ चुका है, जो कि गाइस बहुत ही कूल है, बिल्कुल भी गाइस फेक नहीं लग रहा है तो अभी तक। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे सेव करने के बाद अब चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो यहाँ पे हम ऐड फोटो में फिर से चले जाते हैं, हम मॉडल PNG को यहाँ से ले आते हैं। हमें गाइस ऑनली कुछ इसका हेड चाहिए, तो हम इसे एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो क्रॉप कर लेंगे यहाँ से कुछ इसी तरह से। गाइस आपको ऊपर देखे कोई पोज दे देना है, जो कि गाइस बहुत ही परफेक्ट लगेगा आपके इस एडिटिंग पे। सो ये वाला जो पार्ट है मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ। अब गाइस आपको क्या करना है, इसका एक्स्ट्रा बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ कटआउट टूल पे, यहाँ पे पर्सन पे क्लिक कर देता हूँ। ऑटोमेटिक गाइस हमारे पिक्चर का बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको याद रखना है रिस्टोर पे ज़रूरी टैप करना है, एंड इसकी जो हार्डनेस है बढ़ा देना है, साइज़ को कम करके गाइस आपको यहाँ पे फेस पे कुछ इस तरह से ब्रश मारना है। तो बहुत ही कूल गाइस, यहाँ पे हमारी पिक्चर का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छी तरह से इरेज हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे जस्ट गाइस इसे एडजस्ट कर लेना है अपने इस PNG के ऊपर। आप यहाँ पे इरेजर पे जा सकते हो गाइस, जहाँ पे आप वो कट करना चाहो तो वहाँ से आप इसे इजीली कट कर सकते हो। गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको ज़रूरी थोड़ा बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, सो आपकी जो पिक्चर है बिल्कुल फेक ना लगे। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। गाइस यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर चुका हूँ, लेकिन गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी फेक लग रहा है। यहाँ पे हमारी जो नेक है गाइस ये थोड़ी बहुत लंबी लग रही है, तो इसे हम थोड़ा बहुत और इरेज कर देते हैं यहाँ पे इरेजर आइकन पे जाके, एंड बिल्कुल गाइस फिट कर देते हैं हम अपने PNG के ऊपर। सेम स्टेप्स गाइस आपको भी फॉलो करने हैं कुछ इसी तरह से। बहुत ही कूल गाइस, आप यहां पे देख सकते हो बिल्कुल हमारे पिक्चर फेक नहीं लग रही है। तो अब हम यहां पे सेव कर देते हैं, एंड सेव करने के बाद अब चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। फिर से ऐड फोटो में चले जाते हैं, कुछ PNGs और ले आते हैं। गाइस ये तो PNGs लाने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट कापी बना के गाइस इसे थोड़ा बहुत रख देना है साइड में यहाँ पे कुछ इस तरह से,
एंड इस पे क्लिक करने के बाद गैस आपको यहाँ पे क्रॉप पे चले जाना है। ये वाला जो पार्ट है आपको यहाँ से क्रॉप करके गैस यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो ओके गैस ये सेट हो चुकी है। अब हम ले आते हैं इस वाले पीएनजी को, इसका जो बिलो पार्ट है गैस इसे हम क्रॉप कर देते हैं यहाँ से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एडिटिंग के लिए। तो गैस इसे प्लेस कर देना है यहाँ पे पहले, एंड इसके एक और डुप्लीकेट का भी बनानी है यहाँ से, एंड इसे प्लेस कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे मैं गैस इसकी और एक डुप्लीकेट का भी बना के यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। कुछ इस तरह से गैस हमारा जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है क्रिएट हो चुका है। लेकिन गैस हमें थोड़ा बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है, तो इसे हम थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, इसका जो साइज है थोड़ा बहुत डिक्रीज कर देते हैं। एंड इस तरह से गैस ये हमारे पिक्चर पर बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। तो गैस यहाँ पे हमारा जो काम है ख़त्म हो जाता है। लेकिन गैस अभी हमें थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करनी है, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं टूल्स पे एंड यहाँ पे करते हैं क्लिक कर्वस पे। एंड कर्वस पे क्लिक करने के बाद गैस आपको ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो गैस यहाँ पे टैप करने के बाद गैस आपको इसे थोड़ा बहुत लिटिल बिट गैस नीचे खींचना है कुछ इस तरह से। एंड फिर गैस आपको रेड वाले आइकन पर चले जाना है एंड इसे भी गैस थोड़ा बहुत नीचे खींच देते हैं। बहुत ही परफेक्ट गाइस। अब हमें थोड़ा बहुत और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे चले जाते हैं एडजस्ट पे। एंड एडजस्ट पे जाने के बाद गाइस हम इसकी ब्राइटनेस गाइस थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। यहाँ पे कंट्रास्ट को भी हम थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं 14 पे ले आते हैं। एंड गाइस क्लियरिटी यहाँ पे कम ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे अच्छा लुक नहीं देता है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं सैचुरेशन वाले आइकन पे। सैचुरेशन पे जाने के बाद गाइस सैचुरेशन भी थोड़ी बहुत इंक्रीज कर देते हैं एंड हाईलाइट्स को कम एंड शेडोज को थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। तो फाइनली गाइज आप यहां पे देख सकते हो कि हमारे जो रेडिंग है कंप्लीट हो चुकी है। आपको आज का कंसेप्ट कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिएगा। सो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई एक वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।